नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। डॉक्टर अशोक तंवर का बयान। रानिया भाजपा में कार्यालय में मारपीट प्रकरण पर ली चुटकी। बोले, काले धन के बंटवारे के लिए हो रहा है कार्यकर्ताओं में झगड़ा। जुमलेबाजी को अब सहन करना पड़ रहा है जनता को और जनता कर रही है विरोध। वहीं अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने के मामले में डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि घटना पूरी तरह निंदनीय है। लोकतंत्र में विरोध जताने के अनेक सारे तरीके हैं। केजरीवाल के बहुतायात में हुए वायदों के प्रति लोगों में आक्रोश है। अभी भी मामले की जांच बाकी है। वहीं डॉक्टर अशोक तंवर ने किया दावा, ग्राउंड पर कांग्रेस होगी मजबूत। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सिरसा से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि राहुल गांधी 9 मई को यहाँ पर रैली करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। इस मौके पर डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है और वे सिरसा में भारी मतों से जीतेंगे। अशोक तंवर आज सिरसा में अपने निवास स्थान पर फतेहाबाद जिले में गांव के दौरे पर निकलने से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं रानिया में भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की आपस में मारपीट के प्रकरण पर अशोक तंवर ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं बल्कि काले धन के बंटवारे के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। नोटबंदी के दौरान जिस तरह से बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, वह काले धन को लेकर के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। बाकी जनता को सब कुछ मालूम है, जनता को जवाब भी देना है। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने के मामले में भी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि घटनाक्रम पूरी तरह से निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध जताने के बहुत सारे तरीके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा किए गए अनेक वादों से जनता दुखी है, क्योंकि इन वादों को पूरा नहीं किया गया। फिलहाल मामले की जांच शुरू की गई है, बाद में पता लग पाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। अब राहुल जी की भी रैलियाँ हैं, प्रियंका जी की भी रैलियाँ, रोड शो हैं, और भी हमारे जो स्टार प्रचारक कल से पूरा ये हफ्ता, और मैं समझता हूँ कि 10 तारीख जब तक प्रचार प्रसार पार्टी का और प्रदेश में चलेगा, तो जो हमारे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आएंगे और उनके आने के और माहौल कांग्रेस के लिए पक्ष में जाएगा। कल भी उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेना चाहती है, जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ बना नहीं। और गुड़गांव उन्होंने कहा कि ये हमारी तो सरकार थी, हमने तो मदद करी है, लेकिन असली मायने में गुड़गांव को गुड़गांव वासियों ने बनाया, हरियाणा की जनता ने बनाया, और इसी तरीके से मुल्क को पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से और जनता के सहयोग से बनाने का, संवारने का, आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर ये बातें, एक तरफ वो लोग हैं जो हर चीज़ का, जो उन्होंने की भी नहीं उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती है कि हम मददगार हैं, हम करने वाले नहीं हैं, और इसी तरीके से हम मदद करते रहेंगे देश में किसान गरीब मजदूर के जीवन स्तर को उठाने के लिए, हमारे प्रदेश को और बेहतर करने के लिए, और हर वर्ग की आवाज़ को उठाते हुए हम इस हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं, यही कांग्रेस पार्टी का ध्येय। वो भिड़ते ऐसे हैं, वो काले धन में हिस्सा मांगते हैं। वे कहते हैं नोटबंदी के अंदर 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसका पैसा इतने आपने हर जिले के अंदर ऑफिस बना दिए, तो ये पैसा अब हमें भी दो। तो ये पैसे की जो बंटवारे को लेकर के वहाँ है, काला धन आया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि उसी को लेकर के कुछ न कुछ विवाद जो अंदर से खबर आई है वो चल रहे हैं, और बाकी जनता उनके विरोध में है। वो हर जगह, हर गाँव में, कभी धोलू में तो कभी कारू में, तो इसी तरीके से सब जगह उनका विरोध जारी है। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार जो है वो अगली कांग्रेस की होगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम। आपका प्रचार कैसा चल रहा है? हमारा प्रचार शानदार है। आज भी करीबन 25-30 गांव हम करेंगे। आज फतेहाबाद के मुना ब्लॉक में मुख्यतः गीला खेड़ा से शुरू करके, और 3 दर्जन 4 दर्जन प्रोग्राम हमारे रहेंगे।